महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन अब तेजी से फैल रहा है। गुस्साए प्रदर्शनकारी अब विधायकों के आवास, दफ्तर और दुकानों को आग के हवाले तक करने लगे। आपको बता दें कि इस आंदोलन का केंद्र मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर शहर बीड रहा। यहां प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। बता दें सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकने के बाद अगस्त के अंत से ही मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक इस मामले में 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मराठा आरक्षण की आग पूरे महाराष्ट्र को जला रही है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने जिन नेताओं के घरों या दफ्तरों पर हमला किया है, उन नेताओं ने मराठा आंदोलन के समर्थन में बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। बता दें इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जयरांगे पाटिल का जन्म भी भीड़ में ही हुआ था, हालांकि वो बाद में जाकर जालना में बस गए। मराठा आरक्षण की मांग के लिए मनोज इन दिनों जालना में अपने गांव में अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर आंदोलन में शामिल युवा अलग अलग तरीके से अपना कर खुदकुशी कर रहे हैं। बता दें हाल ही में जिस शख्स ने सुसाइड किया है वो पानी की टंकी पर चढ़कर कूद गया था। भीड़ में प्रदर्शनकारियों के उग्र होने के पीछे एक वजह ये भी है कि मनोज बीते 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सोमवार को उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो मंच से गिर गए। मनोज की हालत देखकर प्रदर्शनकारी भावुक हो गए और उन्होंने सीएम पर उनकी हालत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक मराठा आंदोलन की अधिकांश हिंसक घटनाएं और आगजनी बीड जिले में ही हुई है, जिसके बाद अगले आदेश तक वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी और बीजेपी के 1 विधायक के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ कर। बता दें महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। करीब 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन मराठी लेबर यूनियन के नेता अण्णा साहब पाटिल की अगुवाई में हुआ था। उसके बाद से मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ की राजनीति का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र में ज्यादातर समय मराठी मुख्यमंत्री ने ही सरकार चलाई है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सकता। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।